समाजवादी लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह नारायण ने कराया भव्य होली मिलन समारोह। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी पूर्व सांसद एवं 25 बरेली लोकसभा से सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह नारायण और पूर्व मेयर सुप्रिया नारायण की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र बरेली में किया गया, जहां नारायण दंपति ने समारोह में आए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं, मतदाताओं, समाज के संभ्रांत व्यक्तियों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रवीण सिंह नारायण ने अपने संबोधन में कहा कि हम पूरे जोश के साथ जिस प्रांगण में मौजूद है। नारायण ने सभी लोगों से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में आए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं, मतदाताओं, समाज के संभ्रांत व्यक्तियों का आभार व धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, इस समय देश में जो हालात है वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कहां खड़े हैं और देश का नेतृत्व देश को किस गर्त में ले जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि देशवासी जल्द ही इस साजिश को समझ जाएंगे। कार्यक्रम में लोगों ने होली मिलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिव तांडव, राधा कृष्ण एवं मथुरा की होली की झांकरियां का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल सिंह, सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, कांग्रेस जिला अशोक सकलनी, महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, पूर्व मेयर डॉक्टर IAS तोमर, संजीव यादव। पूरा महीना चलती है, उल्लास का मौसम पहले चलता है। इसी क्रम में हमने अपना ये सारे क्षेत्र से जो हमारा आज लोकसभा चुनाव भी है, पूरे क्षेत्र से लोगों में उत्साह है। एक पूरा ये हमने ठान ली है सबने, अब की बार जो है हमें बदलना है और प्रवीण सिंह नारायण को साथ बनाना है। उनकी खुशी को दुगना करने के लिए साथ में बैठने के लिए आपके कार्यक्रम जनसंवाद चल रहा है और एक तरह से भीड़ अपार भीड़ दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत खुशी हो रही है, ये वो पब्लिक है जो हमारे प्यार में आई है। ये सोच के आई है कि कितनी बार बदलाव करना है, जो आगे सर क्या कहना चाहेंगे, आज होली मिलन समारोह रखा गया है। देखिए, ये मोदी जी की जो सरकार है, टीवी चैनल पे जो दिख रहा है, कुछ चैनल ऐसे हैं जो इस मोदी जी की, जैसे कहते हैं ना, अगर कहने को गोद में बैठे हुए हैं तो इसलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। कुछ अखबार ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मोदी 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 मोदी, जैसे मोदी जी के अलावा कोई कार्यकर्ता है नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। जाने कितनी NGO है, जाने कितने लोग देश के लिए सेवा कर रहे हैं, जाने कितने लोग शहीद हो गए। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गई, हमारे जो हैं जैसे गुजरात गुजरात, ऐसा लगता है कि गुजरात के अलावा किसी को तरक्की की ज़रूरत ही नहीं। जो चीज़ है बुलेट ट्रेन होगी तो वो भी गुजरात में। तो इससे जो है, आज छुट्टा जानवर से किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, महिला पुरुष सब। तो मोदी जी का जो टीवी में दिख रहा है 400 पार, अब तड़ी पार होने की नौबत है। मोदी जी का जो है, ऐसा लगता है इनकी नीतियों की वजह से जनता इनको राजनीतिक तड़ी पार कर देगी, सियासी रूप से तड़ी पार ये दिखाई पड़ेंगे। और ये मोदी जी और इनकी जो मंडली है गुजरात की, गुजरात का असलियत में विकास नहीं हो रहा, गुजरात को तो खाली बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है सरकार। कुछ पूंजीपति ऐसे हैं जो 400 करोड़ से 40 लाख करोड़ हो गए। आज मुझे आज इसे जो आज का जो होली मिलन कार्यक्रम है, इसमें सद्भावना के लिए है, आपसी प्रेम प्यार के लिए है, और ये दिखाने के लिए है कि बरेली लोकसभा क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश की जनता का मन क्या है, हिंदुस्तान की जनता का मन क्या है। हिंदुस्तान की जनता मोदी जी का असली चेहरा दिखाने को उतारू है, और इस चुनाव में ये आप देखेंगे बरेली में कि आज भाजपा को ये पता नहीं चल रहा किसको खड़ा करें और किसको ना खड़ा करें। आज जमीनी हकीकत यहाँ की ये है। ये जो है जमीनी हकीकत ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं किसे खड़ा करें किसे ना खड़ा करें, कभी इसका नाम कभी उसका नाम। और हमारे माननीय सत्यपाल जी हैं, बड़े हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं,
लेकिन माननीय जी का पता ही नहीं, वो बाहर के लोग बरेली की जनता कह रही है कि जो प्रत्याशी है ये बाहर के, और माननीय दत्तोड़ गंगवार जी 8 बार रह चुके हैं और ये काम नहीं गिना सकते, ये काम सड़कें वगैरह बन रही है, तो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, वो तो कैसे भी होता है, कोई भी होता, तो ये जो है उनके पास दिखाने को नहीं है, तो इसलिए संतोष जी का टिकट काटा, अब उसको टिकट दिया है तो और भी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? 1 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, जनता की ये मांग है, जनता की जो रिस्पॉन्स है उसको देखते हमारा सांसद कैसा हो।